top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ऐसा है कि 4 अप्रैल को माता जी की हत्या हुई, आज 28 तारीख 24 दिन हो गए, आज तक हमें ये मालूम नहीं कि भाई क्या हुआ। किसी आदमी को पकड़ने की जो बात हो रही, अभी तक किसी के ऊपर उंगली भी नहीं, जबकि ये बड़ा स्पष्ट है इससे इसके पीछे कौन सी ताकत काम है, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। ऐसे घिनौने इंसिडेंट 2011 और उससे पहले भी वैसे हो रहे हैं, लेकिन 2011 में एक अवतार सिंह की हत्या, इसी तरह से इसी ढंग से दिन रहा, आज तो कुछ नहीं। उसके बाद बम फटा जलंधर में, और जलंधर में बम फटा और लोग आइडेंटिफाई हो गए, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन जो सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने ये काम करवाया है, चुनौती दे के काम होते हैं, उन लोगों को कोई पूछता नहीं। इसी वजह से आज माता जी का जो इतना सेवा और सिमरन की मूर्ति थी, लोगों का हर वक्त भला कर रहे हैं, 85 साल की उम्र थी उनकी, और बहुत बड़ी नोबल पायस सोल थी, उनको दिन दहाड़े मार दिया। हम तो हैरान होते हैं कि ऐसा करने की किसी की जरूरत ही हिम्मत कैसे हो, लेकिन सरकारों पर असर नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। शायद मोदी सरकार के कान खुले हों, वही सुन लें, और देखिए हज़ारों लोग आपके सामने आए। लोग तो कहते हैं 10,000 हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ 6-7 हज़ार लोग तो जरूर होंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे हम अब इसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है। पीछे लोग हमारे चाहते थे कि भाई सारा पंजाब, हमारे पास इतनी ताकत है पंजाब के अंदर कि सारी पंजाब की सड़कें जाम कर दें, लेकिन शत्रुघ्न जी ने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, सरकार की तो पता नहीं आँख खुलेगी या सो नहीं खुलेगी, लेकिन लोगों को परेशानी होगी। आज भी आपने देखा होगा कि हमने कोई नारा नहीं लगाया, इवन जो बोले सो ने हाल भी नहीं कहा, और शांतिपूर्वक शासन को अपनी करने की कोशिश की, यही हमारा तरीका है। आगे क्या होगा, शत्रुघ्न जी का जैसा, शत्रुघ्न सिंह जी का जैसा उस आदेश के अनुसार काम करेंगे।